दोस्तों, जर्नी इन नेचर व्लॉग्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम अभी निकले हैं बारडोली से। हम अभी जा रहे हैं बणभा डूंगर की ओर। मांडवी 30 किलोमीटर। दोस्तों, बणभा डूंगर जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हिल स्टेशन है, सुबह का नजारा कितना खुशनुमा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अद्भुत नजारा। दोस्तों, यहाँ पे गलतेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो हम अभी निकले हैं बणभा हिल स्टेशन, जो कि सूरत का एकमात्र हिल स्टेशन है। बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। दोस्तों, हम अभी निकले हैं बारडोली से, और बारडोली से अभी हम ये रोड पे जा रहे हैं। तो ये सामने एक गलतेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग धाम, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ज्योतिर्लिंग धाम है, गलतेश्वर महादेव का मंदिर। और सामने देखो, अरे 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे 48, 35 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। बार ज्योतिर्लिंग धाम, गलतेश्वर महादेव मंदिर। रेट 10 किलोमीटर, मांडवी 26 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 48 किलोमीटर यहाँ से है। कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये है तापी नदी, गुजरात की बड़ी नदियों में से एक, सूरत डिस्ट्रिक्ट की तापी नदी। कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। वाव, ब्यूटीफुल, सूर्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सनराइज का कितना सुंदर दृश्य, अमेजिंग नजारा। यहां से मांडवी 21 किलोमीटर है। हम बणभा डूंगर जाने के लिए मांडवी की ओर जाएंगे। अब हम मांडवी रोड से आगे जाएंगे। सामने सूर्य निकलता हुआ। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना, हम सुबह सुबह कहीं घूमने जाते हैं, हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है।
हमने मांडवी रोड से लेफ्ट टर्न लिया है वांकल गांव की ओर। बणभा डूंगर वांकल गांव से नजदीक में है। चारों ओर हरियाली। बणभा डूंगर गुजरात के सूरत से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। बारडोली से 38 किलोमीटर की दूरी पे है। वाव, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। बणभा डूंगर सापुतारा से 153 किलोमीटर की दूरी पे है। अब जंगल की शुरुआत हो चुकी है। अद्भुत नजारा प्रकृति का। अब हम बणभा डूंगर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। सुबह का अद्भुत नजारा। ये गेट है बणभा डूंगर का। हम पहुंच गए हैं बणभा डूंगर। अब हम यहां से आगे जाएंगे। हम पहुंच गए हैं बणभा डूंगर। ये देखिए, सामने दिखाई दे रहा है बणभा डूंगर। खुशनुमा माहौल। कितना सुंदर दृश्य। ये सामने बणभा इको टूरिज्म। हम बणभा इको टूरिज्म आपको बाद में दिखाएंगे। हम पहले जाएंगे बणभा डूंगर, क्योंकि सुबह सुबह ऊपर जब हम जाते हैं तो सुबह में थकान नहीं लगती। इको टूरिज्म, ये हम पहुंच गए हैं बणभा डूंगर के गेट के पास। यहाँ पे दुकानें हैं। अभी सुबह का समय है इसलिए कोई अभी आया नहीं है दुकान वाले। यहाँ पे बैठने की कितनी अच्छी जगह। हम पहले यहाँ पे नाश्ता करेंगे। वाव, हम ये घर से बना के लाए हैं। चाय भी हम घर से ही बना के लाए हैं।
ये मुठिया है, इसे हम घर से बना के लाए हैं। सुबह सुबह में नाश्ते के साथ चाय, ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। कितना सुंदर नजारा, अमेजिंग गेट। सुबह में जल्दी हम जब हिल्स पे जाते हैं तो हमें थकान नहीं लगती। मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, अभी सबको थकान होने लगी है। कितना सुंदर नजारा, देखिए जंगल का अद्भुत नजारा, कितना ब्यूटीफुल जंगल। हम ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि अगर जल्दी चढ़ेंगे तो जल्दी थकान आएगी, इसलिए धीरे धीरे ऊपर जाने से थकान कम लगती है। वाव, प्रकृति की सुंदरता हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाती है। यहाँ पर चारों तरफ जन्नत है, आप जहां भी अपनी नजर दौड़ाओगे आपको जन्नत ही दिखेगी, सुंदरता ही दिखेगी। दोस्तों, ये प्रकृति की सुंदरता हमें स्वस्थ और आनंदित रखती है। अद्भुत कुदरत का नजारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वो समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता जो समय हमने प्रकृति के साथ बिताया हो। ये देखो मेरी बेटियां दौड़ के ऊपर जा रही है। अभी थक गई, बैठ गई। वाव, कितना सुंदर नजारा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आओगे और प्रकृति की गोद में चलोगे तो आपको उतना आनंद मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। हरियाली चारों ओर खिली हुई, अब हम फिर से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य, तो हमें ईश्वर ने सबसे बड़ी भेंट दी है, ये प्रकृति है।
यहाँ जंगलों में आकर प्रकृति के साथ बातचीत करने में बड़ा मजा आता है। यहाँ खुशबू है जंगलों में, यहाँ खुशबू है लोगों के स्वभाव में। अब हम बणभा डूंगर के ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। कितना सुंदर दृश्य, खुशनुमा माहौल, हरे हरे पेड़, दोस्तों हम चलते चलते थक गए हैं, ये मेरी बेटियां भी थक गई हैं, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। फिर से हम जा रहे हैं दोस्तों, ऐसी जगहों पे हम आते हैं और इसे महसूस करते हैं तो ये एहसास अद्भुत और चमत्कारिक बन जाता है। दोस्तों देखिए सामने, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए प्रकृति को। ये एहसास एक चमत्कारिक एहसास है। ऐसे नजारों को देखने से हमें आनंद मिलता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर पे हम दर्शन करके फिर बणभा डूंगर के ऊपर जाएंगे। अभी हम सुबह जल्दी आ गए हैं इसलिए लोग अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय अंबे माँ। अंबे माँ हमें शक्ति देती है। जय अंबे माँ। हे अंबे माँ, हम प्रार्थना करते हैं सबको सुरक्षित रखना, सबको खुश रखना, सबको आनंदित रखना। कितना सुंदर दृश्य, यहाँ पे कितनी शांति है, यहाँ पे आके हमारे मन को सुकून मिलता है। दोस्तों प्रकृति हमें कुछ न कुछ संदेश जरूर देती है, प्रकृति हमसे बात करती है। दोस्तों हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी है। उन रोमांचों में, उन सुंदरता में कोई अंत नहीं है जो हमारे पास हो सकते हैं यदि केवल हम उन्हें खुली आंखों से खोजते हैं।
बस हम अभी बनभा डूंगर के ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं, आपको भी आनंद आ रहा होगा। दोस्तों, जब हम प्रकृति की देखभाल करते हैं तो अपनी देखभाल करते हैं, इसलिए हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, प्रकृति को संभाल कर रखना चाहिए। कितना सुंदर माहौल, हरे हरे पेड़। ये पेड़ हमें भरपूर ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं तो प्रकृति ही एकमात्र जगह है। कितनी हरियाली, खुशनुमा माहौल। देखिए, अब हम पहुंच गए हैं बनभा डूंगर के ऊपर। सूरत डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हिल स्टेशन, ये देखिए, ये बनभा डूंगर के ऊपर हम आ गए हैं। देखो कितनी ऊंचाई पे हम चल के आए हैं। वाह, यहाँ से प्रकृति का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम जाएंगे मंदिर की तरफ। यहाँ पे आगे मंदिर है, वहां से रोड से हम आए हैं, वो रोड दिखाई दे रहा है। वाव, ब्यूटीफुल, अमेजिंग नजारा। देखिए, सामने मंदिर है, कितना सुंदर दृश्य। प्रकृति का ये अद्भुत नजारा हमारे मन को शांति देता है, सुकून देता है। अब हम मंदिर में प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, सबको खुश रखना, आनंदित रखना, सबको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सफलता देना। सबको सुरक्षित रखना। वाव, ब्यूटीफुल नजारा। प्रकृति का ये रूप कितना आनंद देता है।
ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कितना सुंदर दृश्य। अब हम जा रहे हैं नीचे। सामने देखिए सुंदर नजारा। यहाँ पर संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर पैर फिसल गया तो गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, इसलिए यहाँ पे संभल के चलना पड़ता है। हरे हरे पेड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। बड़ा मजा आया बनभा डूंगर पे आके। कई दिनों से हम यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम आपको ऐसे ही कुदरत के अद्भुत नज़ारों के दर्शन कराते रहेंगे। हम आपको घर बैठे प्रकृति का एहसास कराते रहेंगे। कितना सुंदर नजारा। दोस्तों, यहां से नीचे जाने के बाद हम आपको ले जाएंगे बनभा इको टूरिज्म में। बनभा इको टूरिज्म बहुत ही सुंदर है, वहां का गार्डन बहुत अच्छा है। तो देखते रहिए, मिलते हैं बनभा इको टूरिज्म के वीडियो में।
अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। हम नीचे आ गए हैं। कितना सुंदर गेट है। दुकान वाले भी आना शुरू हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बणभा इको टूरिज्म की ओर। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।